नमस्कार, मैं जैस्मिन कृषि जागरण बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। देश में पहली बार भारत सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। राष्ट्रपति भवन में महामहिम रामनाथ कोविंद ने किसान नरेंद्र सिंह को यह सम्मान दिया। नरेंद्र सिंह की इस उपलब्धि के बाद उनके गाँव में जश्न का माहौल रहा। जब नरेंद्र सिंह गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया ढोल नगाड़ों से। महामहिम से प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार को किसान नरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझे नहीं बल्कि पूरे गांव को सम्मानित किया है, क्योंकि ये काम केवल मैंने नहीं बल्कि पूरे गांव ने मिलकर किया। इस पुरस्कार के लिए पूरे देश भर से 1,00,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 45 लोगों को चुना गया। अब किसान सिर्फ परंपरागत खेती ही नहीं बल्कि नई तकनीकों के सहारे एक साथ कई प्रकार की खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले गोविंद अपने गांव में 20 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल गोविंद अपने रिश्तेदार मनीष बिरला के साथ मिलकर एक विशेष और दुर्लभ गेहूं की किस्म बंसी को उगा रहे हैं। महंगा होने के साथ गेहूं की यह किस्म डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद है। इस तरह की फसल की प्रजाति पूर्ण रूप से जैविक है, सेहत के लिए फायदेमंद है। किसान गोविंद अपने गांव में मधुमक्खी पालन का कार्य भी कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य एक विशेष प्रकार के बॉक्स में किया जाता है। इनका छत्ता मोम का बना होता है। एक छत्ते में 20 से 50 हजार मादा मधुमक्खियां होती हैं। ज्यादातर मादा मक्खियां एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा करने का काम कर लेती हैं। इस तरह का कार्य करके वह युवाओं को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन विज्ञान के सहारे सब कुछ संभव है। पंजाब में जल्द ही रोबोट खेती का कार्य कर सकेंगे। दरअसल पंजाब के कुछ इलाकों में किसानों को खेती संबंधी कार्य में मजदूर की कमी पड़ रही है। इसके अलावा फसलों की निगरानी करने का काम भी बेहद ही कठिन साबित हो रहा है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि जल्द ही रोबोट भी खेती के कार्य कर सकेंगे और उनकी फसलों पर ड्रोन के माध्यम से आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। ऐसा होने से आने वाले समय में राज्य के किसानों को बहुत फायदा होगा। दरअसल इस संबंध में पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में भारतीय खेती बाड़ी कन्वेंशन का आयोजन हुआ है। इसके लिए बड़े संगोष्ठी आयोजित की गई है। कृषि कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आदि तकनीकों को अपनाना बेहद ही जरूरी है। अगर खेत में ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो इसके सहारे खेत की आसानी से निगरानी की जा सकती है। दरअसल इन नई टेक्नोलॉजी में लोकेशन सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, मैकेनिकल सेंसर, एयर फ्लो सेंसर आदि का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये झारखंड के एक ऐसे किसान की कहानी है जो पहले मजदूर था और बाद में एक लखपति किसान बन गया। उसे पहले 50 रुपए दिहाड़ी मिलती थी और आज सालाना 50,00,000 रुपए कमा रहा है। बंजर भूमि पर खेती की शुरुआत करने वाले गंसू महतो ने केवल 2 साल के दौरान खेती में मिसाल पेश की है। आज उनका परिवार भी खेती करने में उनका पूरा सहयोग दे रहा है। पहले महतो अपने परिवार को 2 समय का खाना भी नहीं दे पाते थे और साइकिल चलाकर मजदूरी करने के लिए काम ढूंढा करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी खेती में थी। इसलिए उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में किसानी के कुछ गुण सीखे और इसके बाद उन्होंने 2 साल के अंदर ही सब्जी व फूलों की खेती करना शुरू कर दिया, जिसमें उनका बहुत मुनाफा हुआ। खेती के दम पर उन्होंने लाखों रुपए कमाए और आज उनके पास अपना आलिशान घर होने के साथ 10 एकड़ जमीन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पैतृक कृषि भूमि को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक यदि हिंदू उत्तराधिकारी पैतृक कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेचता है तो उसके घर के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता। बता दें कि जस्टिस यूरु ललित व एम आर शाह की बेंच ने यह बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के एक मामले में दिया है। इस मामले में इस सवाल को लेकर याचिका दायर की गई थी
क्या कृषि भूमि भी धारा 22 के प्रावधानों के दायरे में आती है? गौरतलब है कि धारा 22 के यह प्रावधान है कि बिना वसीयत के किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारी को दी जाएगी।